दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज रेलवे घोटाले मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की है, जिससे यह तय होगा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को समन जारी किया जाए या नहीं। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।